मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर देवघर एसपी अश्वनी कुमार सिन्हा आज मधुपुर पहुंचे और विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक किया। मौके पर एसपी द्वारा सभी थाना प्रभारियों से खासकर अति संवेदनशील और सामान्य बूथों पर उपचुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर दिशा निर्देश दिया। इसके बाद एसपी अश्वनी कुमार सिन्हा एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह द्वारा पुलिस जवानों के ठहराव स्थल अंची देवी और एमएलजी हाई स्कूल का भी निरीक्षण किया। पानी बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त रखने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। मौके पर एसपी ने कहा कि पुलिस के विभिन्न कंपनियों के जवानों को उपचुनाव के दौरान किस प्रकार से प्रतिनियुक्त किया जाना है पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर एसडीओ योगेंद्र प्रसाद, कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार, एसआई चंदन दुबे, एएस समद, शौकत खान, निजामुद्दीन शाह समेत कौरव, मार्गोमुंडा, बुढ़े पाथरोल आदि थाना के प्रभारी मौजूद थे। आगामी मधुपुर उपचुनाव के मद्देनजर उन थानों के प्रभारियों को बुलाया गया है कि जहां पर विधानसभा उपचुनाव होना है, साथ में थोड़ी देर का डिस्कशन यहाँ के एसडीओ साहब से भी करने का प्रोग्राम है। मुख्य मुद्दा है कि जहाँ पे पुलिस के फॉरवर्ड पोस्ट बनेंगे, जहाँ पुलिसकर्मी रुकेंगे, जो मतदान कराने के लिए आएंगे, चाहे वो सीएपीएफ के हों या जिला बल के जवान हों, जैप के जवान हों, उनके रहने सहने की मूलभूत सुविधा संभव हो, मिल पाए, इसके लिए यह मीटिंग है। दूसरी, उसके बाद जो वल्नरेबल बूथ्स हैं या क्रिटिकल बूथ्स हैं उन पे भी डिस्कशन किया जाएगा। एक आइडिया हम अपने थाना प्रभारी से मिल करके यह भी हासिल करना चाहते हैं कि जो अति संवेदनशील और सामान्य श्रेणी के बूथ हैं वहाँ पे किस प्रकार से डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं, किस प्रकार से सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट होगा, किस प्रकार से इको कंपनी जो डीएपी और जैप आईआरबी की होगी उसका डिप्लॉयमेंट करना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ एक फॉरवर्ड पोस्ट जो मधुपुर में है, जहां पे पुलिस टिकेगी, रुकेगी मतदान के लिए जब आएगी, उन फॉरवर्ड पोस्ट का भी निरीक्षण किया जाएगा। यहां पे 9 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर पुलिस के जवान रुकेंगे और कोशिश की जाएगी अधिक से अधिक उन सेंटर्स का निरीक्षण कर लिया जाए और वहाँ पर जो कमी पाई गई है उसका शीघ्र ही निराकरण कर लिया जाए।